तो मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में पीछे ही रह गई और सब मुझे छोड़कर आगे निकल गए। तो शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे समझ आ गया कि चप्पू चलाना कैसे, और फिर जो मैंने चलाई तो जाते वक्त मुझे हाउस बोट भी दिखी जो कि निकलने के लिए तैयार थी, और इन सभी को पीछे छोड़ के मैं पहुंच गई सबसे आगे। तो हम सब पहुंच जाते हैं सनराइज पॉइंट पर, जहां कुछ देर बाद एक हाउस बोट हमारे पास से गुजरती है, जिसकी वजह से पानी में हलचल मच जाती है और हमारी बोट डगमगा जाती है। तो लगातार कायकिंग करते करते हम सब थक जाते हैं और लेते हैं एक टी ब्रेक। तो अभी हमारा टी ब्रेक हुआ है, तो हमारे गाइड कम डीजे वाले भैया नाव से उतर के हमारे लिए चाय लेने जाते हैं और हम तब तक नाव में ही आराम करते हैं। इतने में ही आ जाती है हमारी गर्मा गर्म चाय, और फिर हम सब नाव में बैठकर चाय का आनंद उठाते हैं। तो मैंने चाय तो कई बार पी है, पर ऐसी एडवेंचरस चाय पीने का मजा ही कुछ और है। तो आगे की जर्नी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।